Yeah, I would like to show you the people. We are right present outside Shiv Sena Bhavan, and these are the Shiv Sena workers. You know, you can see, and they are protesting against the rebellion by Eknath Khadse. And what, since morning, it was very unexpected that NDA government has to face this right now. And as we speak, these are the Shiv Senik who are constantly protesting and demanding that, you know, this entire is being planted by the BJP, and this should come to an end, and he should return back. हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी ने बंद किया है, क्या कहेंगे आप? वो मतलब बहुत गलत किया है उन्होंने. बाला साहब ठाकरे ने इनको इतना बड़ा किया है, बहुत बोलते, बहुत बेकार. एक तरीके से धोखा दिया है ऐसा कहा जा रहा है. आजू का आजू स्टेटमेंट आले ना, कोई स्टेटमेंट देऊ शकत नाही. आजू आम्हाला निरोपत करता नाही, तिथे गेलेत ते काय त्यांची बोलणी चालू आहे. मॅडम, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि वो वापस आए कि उनको निकाला जाए? अभी जो डिसीजन है वो हमारे मुख्यमंत्री साहब का रहेगा, क्योंकि जो बाला साहब के सैनिक है वो इधर है और वर्षा पे है, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री साहब के साथ बातचीत करके ये डिसीजन लेना चाहिए था. वो क्या किसी पिकनिक में गए नहीं है. जो कुछ डिसीजन रहेगा हमारे मुख्यमंत्री साहब लेंगे. पार्टी के घट नेता के पद से उन्हें निकाल दिया गया है, एक तरीके का संकेत दे रहे हैं कि वापस नहीं लेंगे. तो उनके यहाँ से भी कुछ प्लस 19 आया होगा ना. हमारे साहब कुछ कोई भी गलत डिसीजन लेंगे नहीं. अगर उनके यहाँ से कुछ आंसर आया है, एक्शन आया है, तो उसका रिएक्शन देना तो जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ही सीएम ऑफ महाराष्ट्र ना. वो फिर उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं बाला साहब का सिपाही हूँ और बाला साहब का सिपाही बना रहूंगा, बोले, बोले। और सत्ता का मुझे लाभ नहीं है. तो ये सब जो चल रहा है आपको लगता है सत्ता के लिए हो रहा है? देखिए, आपको ये कहना चाहते हैं, बाला साहब के जो शिव सैनिक है, उद्धव जी के जो शिव सैनिक है, वो अभी शिवसेना भवन के नीचे है. इतनी बारिश आ रही है, मगर जिन्होंने बाला साहब को भगवान माना है, जो उनको विट्ठल मानते हैं, उनकी शिव सैनिक कुछ भी नहीं समझ के यहाँ पे आए. और जो जिन्होंने महाराष्ट्र छोड़ के महाराष्ट्र के बाहर गए हैं, उन्होंने खुद के बारे में सोचा है, जिन्होंने शिवसेना के बारे में सोचा है वो यहाँ पे है. और जो रहेंगे वो शिव सैनिक रहेंगे. आमच्यात मन है कि जे राहिले ते मावळे आणि उडाले ते कावळे, त्याच्यामुळे प्रत्येकाने हर लोगों ने शिवसेना से बड़े हुए, खुद को बड़ा किया, और बाद में शिवसेना खत्म करने की जो भाषा करते उनको इतना ही बोलना चाहिए कि आपका जय महाराष्ट्र. संजय राउत कहते हैं कि आपके एमएलए को वहाँ बंद करके रखा गया, बातचीत करने नहीं दी जा रही है. तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जानबूझकर गए हैं या फिर वो सत्ता का परिवर्तन करने गए. देखिए, हम लोग सब यहाँ पे आ गए, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे इनके आदेश से, माननीय आदित्य ठाकरे जी के आदेश से. और संजय राउत अगर साहब बोल रहे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सच होंगे. हम लोग शिवसैनिक है, हमें तो इतना समझता है कि जो शिवसेना का जो आदेश है वो मानना है और शिवसेना बड़ा करना है. बाकी जिनको जो करना है वो अपने हिसाब से करें. मैडम, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है बार बार सेना ने सत्ता के लिए समझौता किया है, क्या विरोध किस बात का कर रहे हैं आप? All right. So